महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा बल्लभ सिंह चलाहरी के शहादत दिवस पर गुरुवार की शाम को बाराबंकी में श्रद्धांजलि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर के छाया चौराहा स्थित राजा बल्लभ सिंह चलाहरी के स्मारक पर आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम में संस्था की तरफ से 6 लोगों को कर्तव्य प्रवणता सम्मान से सम्मानित किया गया। जिले की प्रतिष्ठित हस्तियों के सम्मान के बाद कार्यक्रम में कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से राजा बलभद्र सिंह चलाहरी के त्याग, तपस्या और शौर्य का बखान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवनियुक्त सांसद तनुज पूनिया ने राजा बलभद्र सिंह चलाहरी की वीरता और शौर्य को नमन करते हुए उनके त्याग और बलिदान को याद किया और विश्वास किया दिलाया कि बाराबंकी में लंबे समय से राजा बलभद्र सिंह चलाहरी के लंबित पड़े स्मारक को उनकी समाधि पर बनवाने की वो संसद में आवाज बुलंद करेंगे और इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वो है बर्थडे है, किस तरीके पुण्यतिथि है, किस तरीके से क्या पाएगा संदेश है आपका और किस तरीके से याद करेंगे उनको? देखिए, उनको तो हमेशा याद किया जाता है। हमारे बाराबंकी के लिए गर्व की बात है कि बाराबंकी में ही उन्होंने अपना आखिरी लड़ाई लड़ी और जो है वीरगति को प्राप्त भी वो हमारे विशेष रूप से मेरा मोहल्ला जो है उबरी, जिसमें मैं रहता हूँ, उसी स्थान पर उनकी जो है उनके वो शहीद हुए और उन्होंने इतने सारे अंग्रेज मार गिराए, बल्कि जब उनका सर धड़ से अलग भी हो गया था उसके बाद भी काफ़ी समय तक वो लड़ते रहे, उनका शरीर मतलब लड़ता रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बाराबंकी के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ऐसा युद्ध हुआ, उन्होंने इतना हमारे देश के लिए बलिदान दिया और यही वो उनकी बलिदान की भूमि है और उनके जो उन्होंने वीरता दिखाई, जो भी उन्होंने अपना साहस दिखाया अपने जीवन में, उससे हमको नई पीढ़ी को सबको पूरे देश को सीखना चाहिए और उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। मुख्य बात यह है, इसीलिए ये कार्यक्रम होते हैं। हमारे अजय गुरु जी के माध्यम से कार्यक्रम यहाँ हुआ है, यहाँ सभी लोग चेयरमैन साहब हमारे आए हैं, वहाँ जी सब लोग मौजूद हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं ताकि एक मैसेज जाए और नई पीढ़ी सीखे कि किस तरह से उन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, उसने अपना उनका जो योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में, वो नई पीढ़ी को सिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम। लंबे समय से स्मारक की मांग चल रही है, आप लोगों ने भी प्रयास किया, अब सांसद चुने गए हैं, किस तरीके से इसको और तेजी देंगे? बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, आपके माध्यम से जो भी यहाँ पे पुराना जो है उसको निकलवाया जाएगा, कागज निकलवाए जाएंगे और ये करवाने का काम किया जाएगा, पूर्ण रूप से इसको कराया जाएगा इसमें पूरे कार्यक्रम।